पौड़ी से है, जहां पर मेडिकल संचालकों ने औषधि नियंत्रण विभाग की श्रीनगर में हुई कार्रवाई के विरोध में मेडिकल स्टोरों को बंद रखा है, जिसमें अनेक स्टोरों से दवाइयों के क्रय विक्रय करने पर रोक लगा दी गई है। जबकि विभाग का कहना है कि कई स्टोरों पर मेडिकल डिवाइस लाइसेंस न मिलने और मानकों के अनुरूप मानकों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने श्रीनगर में कई मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान 8 मेडिकल स्टोरों में मेडिकल डिवाइस लाइसेंस नहीं मिलने और अन्य मानकों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग की इस कार्रवाई से श्रीनगर में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके विरोध में आज पौड़ी, श्रीनगर और श्रीकोट स्थित करीब 60 से अधिक मेडिकल स्टोर पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। जिला हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर आदित्य तिवारी ने कहा कि जिला हॉस्पिटल पौड़ी में आने वाले मरीजों को हॉस्पिटल में से ही दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी मरीज के द्वारा दवा ना मिलने या किसी भी प्रकार की जो शिकायतें उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। पौड़ी से मुकेश बच्छीती की रिपोर्ट। देखिए, ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेडिकल ऐसा जरिया है आम जनमानस को कहीं ना कहीं सहूलियत मिलती रही है, लेकिन जिस तरह से आज मेडिकल स्टोर बंद है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को और मेडिकल स्टोर के जितने भी जो इनकी एसोसिएशन है उनके साथ वार्तालाप करके जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ये अपील ज़रूर रहेगी कि मेडिकल स्टोर संचालकों को भी। मेरे पास इनफैक्ट अभी तक तो कोई भी शिकायत नहीं आई और ना ही मेरे डॉक्टर्स जो हैं जिनसे मैंने इस बारे में पूछा उन्होंने बताया। क्योंकि किसी भी मरीज को जब बाहर से दवा लिखी जाती है कोई और अगर उसे नहीं प्राप्त हो रही है तो वो उस चिकित्सक से या प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से अवश्य मिलेगा कि सर ये दवा लिखी गई थी और ये मुझे बाहर नहीं मिल रही है, बाहर मेडिकल स्टोर बंद है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है। मानकर चलता हूँ, अब जो मैं देख रहा हूँ अपने कार्यकाल के दौरान कि यहाँ पर लगभग सभी दवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, एक आध दवा जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है वही बाहर से लिखी जाती है, अदरवाइज दवा बाहर से लिखने के लिए मना करता है। देखिए, 2 दिन से मेडिकल स्टोर बंद है और लोगों को मतलब स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, लेकिन वो जब मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं तो उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का ये जिला क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर मतलब जो भी कार्रवाई हुई वो मानक के अनुरूप ही होगी। हम ये नहीं कह रहे कि किसी का किसी ने गलत किया है, लेकिन ये है कि कम से कम जो हमारे लोग हैं उनको मेडिकली तौर पर, एक आप पौड़ी अस्पताल की हालत देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मेडिकल स्टोर भी बंद हो जाएंगे तो लोग बीमार होके जाएंगे कहाँ? जब दवाई लेने मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो बंद है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द मेडिकल स्टोर खुला जाए, जिससे कि आम लोग जो बीमार हो रहे हैं उनको दवाई लेने में असुविधा।